तो यार आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज में। तो गाइस आज की वीडियो में जो है मैं एंडर चेस्ट का जो है यूज बताने वाला हूँ। उसको बनाना जो है बड़े आसान है, और आप लोग सोचते हैं एंडर चेस्ट जो है वो बस चेस्ट जैसा है, तो ऐसा नहीं है, उसका थोड़ा सा काम भी रहता है। तो एंडर चेस्ट बनाने के लिए कुछ आई ऑफ एंडर बनाना पड़ता है, ऐसे बनता है। तो एक तो बन जाएगा और बना लेता हूँ, आई ऑफ एंडर काम भी आती है काफ़ी। ओके, तो दो बन रहे हैं, और इसके लिए ऑब्सीडियन भी चाहिए रहता है जो कि मैंने अभी कलेक्ट किया था। एक और ऑब्सीडियन मिल जाए, हाँ ये रहा गाइस। तो अभी मैं एक और एंडर चेस्ट जो है बना सकता हूँ। ओके, तो एक और एंडर चेस्ट जो है मेरा बन गया गाइस। तो अभी मैं आपको जो है इसका जो है यूज़ मेन यूज़ है वो दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले काम करता हूँ, पिकैक्स ले लेता हूँ। और हाँ, अगर आप इसको आयरन पिकैक्स से तोड़ रहे हैं या कोई भी पिकैक्स तोड़ रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके अंदर सिल्टा चैनमेंट जो है लगा रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप इसको डायरेक्ट तोड़ेंगे कोई भी नॉर्मल पिकैक्स से या फिर सिल्टा के अलावा कोई और एनचैनमेंट से, तब आपको सिर्फ 8 ऑक्सीजन ही मिलेंगे और कुछ मिलेगा नहीं गाइस। आई ऑफ एंडर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा गाइस, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ। और देखिए, अगर मैंने इसके अंदर सामान रखा तो ये दूसरे वाले इसमें से आ गया, अगर मैं इसके अंदर से निकाल दूंगा तो ये दूसरे वाले के अंदर से भी निकल जाएगा। और ये जो है आप लोग सिल्क सिर्फ और सिर्फ सिल्क टच वाले पिकैक्स से इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो ऑब्सीडियन से मिलते हैं, इसलिए सिल्क टच जो है वो काफ़ी मेन यूज़ है इस गेम में इसका, सिल्क टच पिकैक्स का। तो अभी मुझे जगह ढूंढनी होगी मैं इसको कहाँ रखूँ। वैसे इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसको हम लोग अगर किधर ही चले गए दूर और अगर गुम भी हो गए हैं तो क्या होगा, हम लोग को बस क्या करना है कि एंडर चेस्ट में अपना पूरा सामान रख देना है और मर जाना है। और जैसे ही हम लोग अपने घर पे जो है स्पॉन होंगे, वहीं पे हम लोग एक एंडर चेस्ट बना सकते हैं और उधर से हमारे पूरे सामान आ सकते हैं। तो मुझे ये वाली जगह कुछ ठीक लग रही है, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ। ओके, तो एक ही रखूँगा और बाकी के दो जो है, एक तो मैं रखूँगा नेदर पोर्टल के अंदर और एक तो अभी बहुत दूर की बात है, वो तो मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना होगा, तो मैं उधर रखूँगा, काफ़ी काम में आएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें रख देता हूँ। ओके, तो ये पिकैक्स भी जो है सिल्क टच है ये भी रख देता हूँ गाइस। तो और एक और चीज़ का यूज़ बताता हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको अपना ये जो अंडर वाटर हाउस है दिखा देता हूँ क्या चेंजेस किए मैंने। यहाँ पर जो ओक साइंस लगे थे, यहाँ पर जो है मैंने ट्रैप डोर जो है लगा दिए। और ट्रैप डोर से क्या फ़ायदा हो रहा है कि कोई भी विलेजर जो है अंदर गिर नहीं सकता। ओके, तो आगे और ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये पिस्टन डोर भी लगा दी, और यहाँ पे मेरे पूरे आर्मर्स, जैसे लेदर का आर्मर भी है वो भी एन्चेंटमेंट, और ये गोल्ड का आर्मर भी है, और ये आयरन आर्मर है, पर ये डायमंड आर्मर है, पर ये डायमंड आर्मर भी एन्चेंट मैंने नहीं किया है, तो बाद में मैं कर दूँगा। वैसे डायमंड के स्वॉर्ड जो है उसको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। अच्छा रुको, ये लगी सुन गई, इसको इधर लगा दो। वैसे तो मुझे इसका हेलमेट चाहिए था, वही क्या लगता है मैंने वो पहन लिया है, को एक बार देख लेता हूँ, पहले मुझे पूरे आर्मर्स निकालने होंगे। तो ये देख सकते हो मैंने ये सारे एन्चेंटमेंट्स जो मैं लगा लिए थे, तो इसको यहीं पे वापस लगा दो। और जो है ये पूरे के पूरे मैं चीज़ें निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें का यूज़। अरे ये क्या हो रहा है, चेस्ट प्लेट क्यों नहीं आ रही, ये तो स्वॉर्ड ही आ जा रही है, चलो कुछ नहीं होता। तो और देख सकते हो यहाँ से एक और रास्ता है अंडरग्राउंड, ये जो है ये रास्ता पता है कहाँ जाता है, अरे ये क्या, ये विलेजर्स कहाँ जा रहे हैं, अरे चलो चाहे जहाँ भी जा रहे हो जाने दो उनको। और ये है नेदरवर्ल्ड की फार्मिंग की जगह के, इधर से रास्ता है ये। इसको बनाने मुझे बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि बार बार मुझे ऊपर खुदाई कर करके देखना पड़ रहा था। ओके, तो अभी तो मैं जो है अपने आर्मर जो पहन लेता हूँ, फटाफट जो है पहन लेता हूँ मैं। तो ये थे मेरे चेंजेस कुछ, तो ऐसे पहनते हैं, ये पहन लिया, एक दूसरा भी पहन लिया, तीसरा और ये लास्ट चौथा ये भी पहन लिया। ओके, और तो सबसे पहले हमको, मैं आपको एक और चीज़ का दिखाता हूँ, पोशन जो है कैसे डाल सकते हैं हम लोग। तो मैं पोशन ऑफ पॉइजन कर लूँगा, वो एरो में डाल के दिखाऊँगा कैसे डाल सकते हैं हम लोग एरो में। तो यहाँ पे 5 एरो रखे हैं, ये ले लेता हूँ, और मेरे पास नेदर वार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं,
और ये फार्मिंग देख सकते हो कितने सारी है। और तभी मैं ऊपर चलता हूँ, एक और विलेजर पता है मेरे अंदर कैसे आ गया था, मैं एक बार ट्रैपडोर बंद करना ही भूल गया। अरे ये क्या, ऊपर कैसे जाऊँ मैं। अच्छा चलो इसको खोलो और फिर अब सबसे पहले, अरे अब बंद कर दो। हाँ अब शायद मैं ऊपर जा सकता हूँ। ये कौन सी प्रॉब्लम है इधर, चलो को एक मिनट, अब मैं समझ गया। हाँ अब मैं समझ गया, ये ट्रैपडोर के ऊपर खड़े हो गए और अब जा सकता हूँ। कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है इसमें वैसे तो। अच्छा तो अभी तो सबसे पहले जो है मुझे एक कॉरिडोर बनाना होगा, क्योंकि बिना कॉरिडोर के हम लोग जो है एरोस में वो पोशन लगा नहीं सकते गाइस। तो सबसे पहले कॉरिडोर के लिए आयरन जो है वो ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा। और हाँ गाइस, जो मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक में जैसे नॉइज आता है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं उसका कुछ कर तो सकता नहीं गाइस। और ये एरो शॉट मिल गया, ये भी ले लेता हूँ। शायद आयरन इधर हो तो सबसे पहले स्टोर लेता हूँ। वैसे मेरे पास बेड्स की कभी कमी नहीं होती, विलेजर्स हैं इसलिए कमी कभी कभी कमी नहीं हो सकती। एक बार जो है मैं इसमें, ये शायद इस रूम में नहीं होंगे, ये वाले रूम में होंगे। ओके तो पूरे चेस्ट को चेक कर लेता हूँ, इसमें नहीं है गाइस, इसमें भी नहीं, इसमें ना तो कुछ भी नहीं है और इसमें तो नहीं है गाइस। अच्छा तो इसमें तो कारपेट है और ज़्यादा कुछ नहीं, और इसके अंदर स्टिक्स पेपर्स बहुत सारे रखे हैं मैंने। ओके तो इधर देखता हूँ, इसमें भी तो नहीं है गाइस। तो अब आखिरी वाले चेस्ट है ये, इसमें भी नहीं है। तो रुको अभी मुझे और भी जगह जो है वो ढूंढनी भी होगी कि मुझे कहाँ पे जो है मिलता है। ओके तो शायद इसमें तो गोल्ड ही गोल्ड है, पर मुझे गोल्ड ही चाहिए। और यार इसमें भी नहीं है गाइस, रुको एक मिनट, मुझे फिर से ढूंढना होगा, सब कुछ ढूंढना होगा इसके अंदर। हाँ ये रही, ये रही, ये रही। तो अभी हम लोग है एक कॉरिडोर जो है बना लेते हैं। तो एक कॉरिडोर जो है हमारा तो बन गया। तो अभी हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कॉरिडोर रखना है, और इसमें जो है तीनों पोशन जो है डाल देने हैं। लगता है किसी विलेजर ने अपना प्रोफेशन बदल लिया है, इसलिए तुम तो ऐसा आ गया। ठीक तो ये एक चला गया, ये दूसरा और ये तीसरी बॉटल। तो ये ऐसे तीन बॉटल जो है हम लोग डाल सकते हैं। और एक्सपी फार्म में शायद मुझे और भी मिल जाए एरोस, बट देख लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टैक बने थे। अरे हाँ, मैंने वो पूरे पूरे जो है जो बचे थे वो पूरे पूरे मैंने वहाँ पे रख दिए थे, क्या कहते हैं, ट्री हाउस में। तो अभी तो मेरे पास इतने जितने मिल गए उतने कर लेता हूँ, और फिर अभी ट्री हाउस में से जो है लेके आता हूँ। तो ये देख सकते हो, तो ये हो गया हमारा काम, ये आ गया 17 में एरो ऑफ पॉइजन आ गया। तो अभी तो मुझे बो चाहिए। अरे हाँ बो तो होगा उसमें ही, क्या कहते हैं, ट्री हाउस में ही, मैंने उसके अंदर पूरा सामान जो रख दिया था एक्सी फार्म का। तो अभी चलते हैं ट्री हाउस में, एक मिनट, हाँ अब चल सकता हूँ मैं। ओके तो अब चलते हैं। ये फिर यहाँ पे भी मैंने जो है चेस्ट जो है रख दिए थे। तो ये वाले चेस्ट में, पहले चेस्ट में ट्राइडेंट जो है मैंने रखा था, इसमें 6 एरोस मिल गए। और इसके अंदर वाव, इसके अंदर तो 3 स्टैक है, चलो कुछ नहीं होता, तभी भी मैं ले ही लेता हूँ उसे, देखता हूँ कितने होंगे। वैसे तो ये 6 को हटा के ये ले लो एक स्टैक और। वैसे काम में बहुत आते हैं, वैसे बो के लिए नहीं क्या, एक एरो भी काफ़ी रहता है अगर हम लोग उसके अंदर इन्फिनिटी वाला जो है एन्चेंटमेंट डाल दें। मैं बाद में डाल दूंगा पर अभी नहीं। तो अभी तो मैं फटाफट चलता हूँ अपने कॉरिडोर के पास। ओके तो मैं आ गया कॉरिडोर के पास, और अब मैं लगा कर देखता हूँ कि कितने लगते हैं। ये तो पूरा ख़त्म हो गया, और क्या 32 लगे इसमें, तो काफ़ी सारे एरोस हो गए पॉइजन के, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी मुझे इसको मार के जो है दिखाना होगा। तो सबसे पहले जो है मैं ये रख देता हूँ, जो बाकी की चीज़ें हैं ये भी रख दो, और ये ठीक है। अब मुझे बो चाहिए एक। अरे यार बो कहाँ रखा था मैंने, ढूंढना होगा एक मिनट, इसमें तो नहीं है यार, ट्री हाउस में ही होगा। तो मैं ट्री हाउस में ही वापस चलता हूँ। अरे ये क्या कर दिया, पेंटिंग निकल गई, चलो कुछ नहीं लगा देता हूँ मैं अभी। एक बार फिर से कहाँ से निकली है देखूँ तो,
अच्छा तो ये यहाँ से निकली है, लग गई। तो अब चलता हूँ मैं एरोस, वैसे ये इधर भी मिल जाएंगे, ट्री हाउस में जाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं अभी। तो फटाफट जो है मैं यहीं से ले लेता हूँ फटाफट। ये रहा एक भूत, तो कौन सा लूँ, ये पावर 2 का है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बो चाहिए। ये दो बो जो है मैं ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ ये दो ठीक है, तब इन दोनों की हेल्थ जो है मैं बढ़ा देता हूँ, एक कर देता हूँ और इसकी हेल्थ जो है काफ़ी बढ़ गई। तो ये मार के दिखाता हूँ कि क्या होता है, एक मिनट। ये वाले चिकन को जो है मैं मार के दिखाता हूँ, ये क्या, ये तो जा ही नहीं रहा, ये तो मर गई एक ही बार में गाइस। तो इस पर तो कुछ असर नहीं हुआ, तो मुझे किसी और को मारना होगा। एक मिनट ये क्रीपर को मार के देखता हूँ, वैसे भी मुझे लग रहा है ये इतना हाई से जी रहा है तो एक बार में मर जाएगा, तो एक बार में मर गया गाइस ये तो क्रीपर। ओके तो अब मैं इधर देखता हूँ, काऊ को मार के देखता हूँ ये क्या, वो विलेजर ने अपना प्रोफेशन चेंज किया। यहाँ पे तो मैंने कार्टोग्राफी टेबल रखे थे ताकि कुछ कार्टोग्राफर आ जाए, फिर मेरे पास इतने सारे कार्टोग्राफर आ गए थे कि कुछ कह ही नहीं सकते। फिर बाद में मैंने ये कार्टोग्राफी टेबल कम कर दिए थे। इसको कुछ असर क्यों नहीं हो रहा, अरे इसको कुछ असर क्यों नहीं हो रहा यार, असर तो हो जा प्लीज़ प्लीज़। ये तो मरी गई, चलो तो कुछ नहीं होता, असर नहीं हुआ। तो कभी कभी ये जो किसी किसी पे ही काम करता है, अगर एक मिनट वहाँ पे एक पिग है दिख रहा है छोटा सा, तो उसको मार के जो है मैं देखता हूँ। अरे वो तो चला गया गाइस, चलो कुछ नहीं होता। ओके तो अभी तो ये था वीडियो गाइस। तो गाइस ये तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। टाटा सी यू एंड गुड बाय।